हेलो एवरीवन, आज मैं आपको स्टिचिंग में यूज होने वाले सारे मटेरियल के बारे में बताऊंगी कि स्टिचिंग करते हुए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। फैशन डिजाइनिंग में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इन सारी चीजों को वन बाय वन करके बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्केल का ही नॉलेज दूंगी क्योंकि स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टिचिंग में। तो मैं बात करती हूँ अपना स्ट्रेट स्केल से। इस स्केल को मैं बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि स्ट्रेट स्केल के यूज से सिर्फ हम इससे सीधी लाइन बना सकते हैं। बाकी वो सीधी लाइन बिल्कुल सीधी है, उसकी डायरेक्शन सीधी है, उसका हमें पता चलता है इन दोनों स्केलों से, ट्रायंगल वाले से और एल वाले से। तो स्ट्रेट स्केल भी आपको लेना है, लेकिन बहुत सारी जगह ये वाला भी यूज होता है, लेकिन बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। तो ये स्ट्रेट वाला स्केल, इससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है, उसी का यूज होता है यहाँ पे। उसके बाद नंबर टू, एक एक स्केल का यूज मैं आपको बताती रहूंगी, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। एल स्केल, इससे भी हम सीधी लाइन बनाते हैं, लेकिन इसके यूज से सीधी लाइन की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी आती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों डायरेक्शन काम करती हैं। इसके यूज से हम जो सीधी लाइन बनाते हैं वो बिल्कुल सीधी आएगी, उसका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होगा, इसलिए हम एल वाले स्केल का यूज करते हैं। इसके ऊपर लिखा भी है एल स्केल स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट स्केल, ये हमारा स्केल है लैग कर्व स्केल। सारे स्केलों पे जो यूज होता है, सारे स्केलों का उस पे लिखा भी होता है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस पे लिखा है डिजाइनर्स लैग कर्व। इसके यूज से हमें पैंट को कटिंग करना, प्लाजो को कटिंग करना, बाकी फिशकट वाला पेटीकोट, ये सारी चीजें हम इस स्केल के यूज से कट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यूज ज्यादातर पैंट को कटिंग करने में करेंगे। स्केल का नाम है डिजाइनर लैग कर्व स्केल। इसके बाद इसी शेप में एक और स्केल होता है, ये थोड़ा सा लाइट लाइट कर्व होता है, इसमें डीप कर्व नहीं है, उससे कम लाइट है। ये हमारा स्लीव्स को कट करने में यूज होता है, स्लीव्स का फिटिंग देने में हम इसको यूज करते हैं। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ हिप कर्व स्केल। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है डिजाइनर्स हिप कर्व। हिप कर्व स्केल का यूज हिप वाला जो हमारा शेप है, हमारा जो हिप वाला एरिया है, उसको कर्व में देने के लिए, जैसे पैंट में यूज करेंगे, या फिर फिशकट वाली जो ड्रेसेस होती हैं उसमें यूज करेंगे। इसके अलावा जिसका भी हिप साइज थोड़ा हैवी होता है, वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं। वहां पर 110% हमें इस स्केल का यूज करना ही करना है, हिप कर्व स्केल। उसके बाद मैं इन दोनों स्केलों का यूज आपको बताती हूँ। ये दोनों स्केल है ट्रायंगल शेपर, ट्रायंगल शेपर। ये दोनों आपको लेने हैं, दोनों ही स्ट्रेट लाइन बनाने में काम आते हैं, लेकिन दोनों स्केलों का यूज देखो कैसे होता है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप इसका यूज करेंगे। दोनों साइड आपकी काम करती हैं, यहाँ पर दोनों साइडों में आपको सबसे पहले नीचे से आपको स्ट्रेट नापना है, उसके बाद हम जो सीधी लाइन बनाएंगे वो बिल्कुल सीधी होगी, उसका डायरेक्शन एकदम सीधा होगा। स्ट्रेट स्केल का यूज करेंगे तो उसका डायरेक्शन इतना सीधा नहीं होता, इसका प्रॉपर सीधा होता है प्रूफ के साथ। दोनों चीजें वही है, दोनों स्केलों का यूज सेम होता है, लेकिन कई बार हमें पाइपिंग या डोरी निकालनी होती है तो इस स्केल का यूज करेंगे। स्टिचिंग जब बताऊंगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इन दोनों स्केलों का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कितना डिफरेंस है इन दोनों को यूज करने में। कहाँ पर हम इस स्केल का यूज करेंगे, कहाँ पर हम इस स्केल का यूज करेंगे, वो हम स्टिचिंग में सीखेंगे। उसके बाद हमारा आता है माई फेवरेट कर्व स्केल। ये हमारा आर्मोल शेपर है।
इसका ये बहुत कमाल का है, इसका यूज हम बहुत सारी जगह करते हैं और इसका यूज हम स्टिचिंग में ही बताएंगे। इसका नाम है आरमोल शेपर। सारे स्केलों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जब भी आप मार्केट जाएं तो इस टाइप के जो स्केल हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ज्यादा यूजफुल है वो आप ले लीजिए। सारा मटेरियल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप ले पाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद एक स्केल है हमारा ग्रीडल स्केल, इसका भी यूज हमारा स्ट्रेट लाइन बनाने में किया जाता है, लेकिन जो इसमें यहाँ पर ग्राफिंग होती है ये भी यूज होती है। ये हम स्टिचिंग में यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्केल का यूज कैसे किया जाता है। ग्रीडल स्केल, ग्रीडल स्ट्रेट स्केल। उसके बाद ये स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्केल का यूज ड्राफ्टिंग को कटिंग करने में किया जाता है। कौन सी ड्राफ्टिंग, कैसे कटिंग करेंगे, किस तरीके से कटिंग करना है, कौन सा स्केल कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम क्लास में सीखेंगे। आज मैं आपको सारा मटेरियल बता देती हूँ। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग स्केल। प्रिंस कट की जो कटिंग होती है वो उसके लिए यूज के लिए भी होता है, सिंपल ब्लाउज का भी हम इससे कटिंग कर सकते हैं। आरमोल की जो शेप डालते हैं लाइन बनाने में, इसमें बहुत यूजफुल है ये वाला स्केल। उसके बाद मेजरमेंट यूज करने में हम इन दोनों चौक का भी इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल चौक है, मतलब जो आप हर बार डेली यूज में कर रहे हो वो नॉर्मल इस टाइप का चौक होते हैं, कलरफुल। लेकिन मैं इन चौक की बात नहीं कर रही हूँ, ये नॉर्मल चौक है जो हम नॉर्मल किसी भी कलरफुल कपड़े पे यूज कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चौक का इस्तेमाल तब करते हैं या तो हमारे पास कोई भी वाइट कलर का फैब्रिक है, वाइट कलर का कोई भी फैब्रिक है उसके ऊपर हमें मार्किंग करना है, तो हम इस वाले स्केल का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं रिफिल चौक, स्केल नहीं, चौक। ये है रिफिल चौक, पूरा बॉक्स मैंने लिया हुआ है। वाइट कलर का कुछ भी आपको कट करना है, वाइट कलर में आप कोई भी फैब्रिक कट कर रहे हैं, जैसे मैं भी आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे पास ये पेपर है, इस पे हमने वाइट कलर से मार्किंग किया, ये चौक रिफिल चौक है। और वाइट कलर का जो कपड़ा होता है, जब हम कलरफुल चौक इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा जो कलर है वो वॉश करने पे भी नहीं निकल पाता। वाइट कलर पे सारा जो चौक वाला कलर है वो वाइट कलर पे ही आ जाता है, तो इसीलिए हम इस चौक का इस्तेमाल करते हैं, रिफिल चौक का। उसके बाद ये बहुत ही आसानी से इरेज भी हो जाता है, क्योंकि आयरन जब आप करेंगे तो जो आपने रिफिल चौक का यूज किया है उससे ये बिल्कुल इरेज हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए, तो जो रिफिल चौक है ये आपको इजीली कहीं पे भी टेलरिंग मटेरियल शॉप से मिल जाएगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला जो चौक है ये डार्क कलर के कपड़े पे यूज करते हैं, ये रिफिल चौक आप लाइट कलर के कपड़े पे यूज करेंगे, और ये वाला चौक आप डार्क कलर के कपड़े पे यूज करेंगे, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े पे जब आप इसको यूज करेंगे बहुत इजीली ये मार्क हो जाता है इससे। बाकी जो दूसरे वाला चौक होता है वो इजीली मार्क नहीं होता। ये दोनों चौक ही ऐसे हैं कि आप इनको आयरन की हेल्प से इरेज कर सकते हो। दोनों चौक बिल्कुल ऐसे ही हैं, वाइट वाला भी और रिफिल चौक। वो रिफिल चौक जो मैंने आपको अभी बताया है ये कलरफुल मिलता है, पिंक, रेड, ब्लैक, किसी भी शेड में आप उसको ले सकते हो। तो देखिए, दोनों चौक इरेज हो गया आयरन की हेल्प से, और जो नॉर्मल चौक हम यूज करते हैं वो आयरन से नहीं गायब होगा। अब उसके बाद मैं आपको रिवर्सेबल टेप, रिवर्सेबल टेप का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी स्टिचिंग में। जब भी आप कोई कपड़ा स्टिच कर रहे हो और फिनिशिंग से फोल्ड नहीं हो रहा है तो रिवर्सेबल का हेल्प लेके आप उसको फोल्ड कर सकते हो इजीली। बाकी आप रफू कर सकते हो, कोई भी गलती से आपका मिस्टेक, कोई कपड़ा कट हो गया है, आप उस इसकी हेल्प से आसानी से उसको रफू कर सकते हो। ये इसे कहते हैं रिवर्सिबल टेप। उसके बाद
नॉर्मल सीजर आपके पास होना चाहिए। सीजर का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, सीजर आती है 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। अगर आप 8 नंबर लेंगे वो आप पेपर कटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत लाइट वेट में होती है। उसके बाद 10 नंबर और 12 नंबर सीजर होता है, तो वो हमारे लिए यूज होता है। तो 10 नंबर का जो सीजर है वो नॉर्मल साइज में आता है, 12 नंबर थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग सीजर परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास छोटा सा कटर भी होना चाहिए। सीजर को जब आप अपनी मशीन पे सीजर से काम करते हो तो वो आपका गिरने का खतरा रहता है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये लाइट वेट होता है और इजीली से थ्रेड कट हो जाता है। थ्रेड कट करने के लिए सिर्फ हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको मेजरमेंट टेप का नॉलेज दूंगी। मेजरमेंट टेप 2 कंपनी का बहुत अच्छा होता है, एक क्राउन और एक कोबरा, दोनों कंपनी का मेरे पास होता है और मैं इन दोनों कंपनी को ही यूज करती हूँ, क्योंकि दूसरा जो कंपनी है वो 1 मंथ के बाद ही बहुत हार्ड उसका स्टफ हो जाता है। मेजरमेंट लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है और काफी, मतलब ये वाला जो है काफी टाइम चल जाता है, क्योंकि जब हमारे पास मेजरमेंट टेप हम यूज करते हैं और काफी टाइम उसको यूज करते करते हो जाता है, तो मेजरमेंट टेप की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। उसका यूज करने से फिर हम मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, और भी हमारे पास जो मेजरमेंट है, जैसे हम किसी का बॉडी शेप का मेजरमेंट ले रहे हैं, और बॉडी शेप का मेजरमेंट जब लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से बॉडी का जो शेप है वो आना चाहिए। तो अगर मेजरमेंट टेप बहुत सॉफ्ट होगा तो इजीली आप जो मेजरमेंट है वो ले लोगे, अदरवाइज अगर हार्ड होता है तो वो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग नहीं फोल्ड होता, हार्ड मेजरमेंट टेप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ऑल पिंस। अगर आप ड्रैपिंग कोर्स कर रहे हैं और ड्रैपिंग कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बॉल पिंस। तो ये बॉल पिंस आपको ज्योति कंपनी का बेस्ट होता है, ज्योति कंपनी का ही आपको लेना है, बाकी अदर कोई कंपनी नहीं लेना है बॉल पिंस में। उसके बाद मैं एक टूल और आपको बताती हूँ, ये मैंने परचेज किया था ऑनलाइन, वेरी यूजफुल। ये हमारा चिट बटन में यूज होता है, जैसे हम शर्ट वगैरह बनाएंगे तो वहां पर हमें बटन लगाने का नीड नहीं होता, इसी चिट बटन के थ्रू हम इसको यूज करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में या कोर्स में आपके जब भी शर्ट बनाएंगे और उसमें चिट बटन का यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ पाइपिन। पाइपिन में आप इस धागे को यूज कर सकते हैं, इसमें काफी सारे साइज आते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पाइपिन बनाना है, जैसे पतला बनाना है, मोटा बनाना है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि ये थ्रेड जो होता है काफी मोटा होता है, पाइपिन का धागा बोलते हैं इसको, और पाइपिन जब बनाते हैं तो इस धागे को उसके बीच में हम सेट करके तब पाइपिन को लगाते हैं। उसके बाद ट्रेस व्हील का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ट्रेस व्हील का यूज करेंगे हम, कोई भी मार्किंग हमने किया, अब वो दूसरी साइड भी हमें मार्किंग करना है, अब कैसे करेंगे? सेम मार्क होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो उस फैब्रिक के ऊपर, मार्किंग के ऊपर हम ट्रेस व्हील का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, दूसरी साइड भी मार्किंग आ जाती है। जब हम स्टिचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तब मैं इसका यूज आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। उसके बाद ये टूल है, ये वैसे प्रॉपर तरीके से तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन जैसे हमने कोई भी नेट का फैब्रिक लिया, उस नेट के फैब्रिक के ऊपर जो फ्लावर हैं, उस फ्लावर को हमें कट करना है, इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारा यूज है इसका। ये टूल वैसे ज्यादातर जो हार्डवर्क वाली शॉप होती है उनके यूज के लिए होता है, लेकिन मैं इसको फ्लावर फैब्रिक को कट करने में यूज करती हूँ। इसके कटिंग से काफी नीट एंड क्लीन हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इससे जल जाता है, तो ये यूज मैं करती हूँ। सोल्डिंग मशीन इसको बोलते हैं, सोल्डिंग मशीन वैसे, लेकिन ये हमारे बहुत काम की है।
उसके बाद जब भी हम ड्राफ्टिंग कटिंग करते हैं तो आपके पास ये इस तरीके का टूल होना चाहिए, सेलो टेप अटैच करने के साथ साथ। उससे क्या होता है, जब भी हम कोई भी कट कर रहे हैं तो ये इजीली हम इसको जितना हमें टेप का रिक्वायरमेंट है उतना हम कट करके यहाँ पे अपना टेप पेस्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी, जहाँ पे भी हमने ड्राफ्टिंग कट किया है वहाँ पे हम अपना सेलो टेप को लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब हम ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक डिफरेंट टूल बताती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वो डोरी वाला देना, थोड़ा सा कट कर दो उसको। देखिए ये दोनों टूल भी बहुत यूजफुल है फैशन डिजाइनर के लिए। इसका यूज कहाँ पे करते हैं और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, दोनों चीजों का यूज हमारा ड्राफ्टिंग में होता है। जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न कटिंग किया, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैसे हमने यहाँ पर मार्किंग किया, आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, ये मैंने इस टूल से मार्किंग किया। यहाँ पे देखो जो कट किया है, जैसे मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है तो मैं इसका यूज करूंगी और इस तरीके से इसको यहाँ से कट कर दूंगी। तो अब जब हम फैब्रिक कट करेंगे तो इस कट को, दोनों फैब्रिक को जब ज्वाइंट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे भी कट लगाया और यहाँ पे भी, दोनों साइड में ड्राफ्टिंग में कट लगाया, अब जब हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो ये दोनों कट और ये दोनों कट मिलने चाहिए आपस में। और इसका यूज बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब भी हम किसी ड्राफ्टिंग को कट करते हैं और वहां पर जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को कट करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा ये टूल कैसे यूज होता है, जैसे आपने ये प्रिंस कट वाला शेप कट किया, जैसे मैंने कट करके पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है वीडियो के लिए, अब ये दोनों टूल एक साथ हैं, एक जैसे साइज के हैं, अब मुझे क्या करना होगा, इस टूल का यूज करना है और यहाँ पर एक होल कर देना है। ये होल हो गया, अब इस होल में इस तरीके से थ्रेड से इसको एक जगह पे बांध देना है। अब मुझे पता चल गया है कि ये वाला जो साइज है 36 साइज है, अब मैं क्या करूंगी, इसको यहीं से होल्ड कर दूंगी। तो ये हमारा जो पैटर्न है ये एक दूसरे से खोएगा नहीं और एक दूसरे के साथ ही ज्वाइंट होगा। जब भी यूज करना होगा, पैटर्न दोनों यूज होंगे तो हमें निकाल के इसको यहाँ से खोल के यूज कर सकते हैं। तो इस टूल का यूज इस तरीके से किया जाता है। अब दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद ये हम यूज करते हैं फ्रॉक्स बनाने में या कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। इसका नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी कभी अगर कोर्स में यूज करेंगे तो, अभी माइंड से स्लिप हो गया इसका नाम। तो ये भी बहुत यूजफुल है, डिजाइंस में काम आता है। कुछ भी हमें हैंड का बैंड बनाना है या फिर हम कोई हेयर बैंड बना रहे हैं या नेक का गले का कोई सेट बना रहे हैं फैब्रिक से अटैच करके ड्रेस से आउट ड्रेस जो हमारा है, या फिर हम कमर का बेल्ट बना रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। एक मैं बात करती हूँ आपसे, हॉर्स वायर। हॉर्स वायर हमारी दो कलर में आती है, वाइट कलर और ब्लैक कलर। लाइट कलर होगा तो आपका वाइट कलर यूज होगा, कोई भी डार्क शेड होगा तो ब्लैक कलर यूज होगा। इस तरीके से हम हॉर्स वायर का यूज करते हैं, ज्यादातर नेट वाली ड्रेसेस बनाने में करते हैं, ज्यादातर घेरे को फुलाने के लिए, ड्रेसेस का जो घेरा है, लहंगा बनाएंगे तब बताऊंगी इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको अटैच करते हैं। यह वैसे 99% ये नेट में यूज होती है, नेट के फैब्रिक की जो डिजाइंस बनाते हैं। उसके बाद ये आपको पता है पेस्टिंग, ये हम पैंट में यूज करते हैं, बाकी सलवार की मोरी भी बना सकते हैं, ये पेस्टिंग होती है, ये भी आप परचेज कर लीजिए। और इसी के साइज का आपको इलास्टिक भी परचेज करना है। इलास्टिक मैंने अभी वीडियो में नहीं रखा, प्लास्टिक दो। बस आपको पैंट अगर आप बना रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीजें आपकी सेम चौड़ाई की होनी चाहिए। ये आपको चेक करके तभी शॉप से खरीदना है। जब आप प्लास्टिक खरीद रहे हैं और बेल्ट खरीद रहे हैं तो दोनों चीजें सेम मैच की होनी चाहिए, सेम चौड़ाई। पैंट
पैंट के साथ साथ हुक का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं जब लेके आती थी तो ये पूरा मिक्स हो जाता था, लेकिन जब से मुझे ये बॉक्स मिला है तब से मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। पैंट का जो हुक है ये बहुत अच्छे से इसमें सेफ रहता है, अलग अलग शेप अलग अलग चीजें इस बॉक्स में अंदर अच्छे से सेट हो जाती है। तो इस टाइप का आप ले सकते हो पैंट का हुक रखने के लिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ उस मशीन का जो बूट है, जो पाइपिंग हम लगाते हैं। अभी मैंने आपको डोरी बताई है, जो पाइपिंग वाली डोरी का यूज करते हैं वो हम इस तरीके का बूट चेंज करते हैं मशीन का। आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के बूट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आपको जिस साइड का भी लेना है उस साइड का आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे से हम इसका यूज करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में से कोई भी एक साइड, क्योंकि वो आपकी हैबिट के ऊपर है आप कौन सा यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको यूज करना है। एक बूट आता है ये वाला प्लास्टिक है, नीचे से लाइक्रा का कपड़ा आपको स्टिच करना है तो आप इस बूट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर धागा, जैसे कई बार हम इस तरीके का लाइक्रा का कपड़ा है या स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है वो यूज कर स्टिच करने में आप इस वाले बूट का यूज करेंगे। नीचे से ये प्लास्टिक का बना है पूरा, स्टिचिंग को खोलने में, क्योंकि आप स्टिचिंग सीख रहे हो तो ये बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। ये सिलाई को खोलने के काम आता है, कलरफुल आता है, ब्लू कलर, येलो कलर, कोई भी कलर का आप इसको परचेज कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, सिलाई खोलने के काम आता है, स्टिच ओपनर इसको बोलते हैं, स्टिच ओपनर। इसके बाद ये फ्यूजिंग मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, ज्यादातर मैं पैडेड ब्लाउज में यूज करती हूँ। ये ब्लैक और व्हाइट दोनों शेड में आती है, चुन्नी लाइक्रा, चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग कहते हैं इसको। ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर में आती है, स्ट्रेचेबल होती है, देखिए स्ट्रेचेबल है, दोनों सेम है। कलर ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। डार्क कलर के साथ ब्लैक कलर यूज करेंगे, लाइट कलर के साथ व्हाइट कलर। उसके बाद मैं आपको जिप बताती हूँ। जिप, इनविजिबल जिप अगर आप यूज करते हो, गाउन बना रहे हो, लहंगा बना रहे हो, तो YKK कंपनी है, YKK। लोकल जिप लगाओगे तो एक बार दो बार यूज करोगे उसके बाद वो जिप खराब हो जाएगा, YKK का जिप यूज करोगे तो वो कभी खराब नहीं होता। कंपनी का जिप है, बहुत अच्छा है। इनविजिबल जिप आप YKK का ही यूज करिए। गला बनाने के लिए बुकरम यूज नहीं करिए, पेपर पेस्टिंग यूज करिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा गला बनाने में अच्छी होती है। 30 mm से 50-60 mm तक आप इसको ले सकते हो, जितना बढ़ाओगे उतना ही इसका जो स्टफ है ये मोटा होता जाएगा। 50 mm का मैं यूज कर रही हूँ, ये 50 mm है। उसके बाद अब यहाँ पे ये कॉलर वाली पेस्टिंग है, इसमें हम कॉलर बना सकते हैं, जेंट्स अपना लहंगे का बेल्ट यूज कर सकते हैं। एक और भी यूज आती होती है जिसको बोलते हैं 2666, वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें बबल्स नहीं आता, वो बहुत ही अच्छी होती है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ऐसी ही होती है सी टाइप की, कलर भी वाइट होता है, लेकिन बोलते हैं उसको 2666। और आप एक पिल्लो भी बना लीजिए अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो, ये बहुत यूजफुल है आयरन के लिए। जब भी आप आयरन करेंगे, आर्मोल की आयरन करेंगे या पैडेड ब्लाउज का, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस टाइप का जो शेप है, आप कोई भी जीन्स का कपड़ा ले लीजिए और उसके अंदर बहुत सारा कपड़ा डाल के इस तरीके से इसको बना लीजिए, तो ये बहुत यूजफुल है। ऑनलाइन आप लेंगे तो 5000 के अराउंड मिलेगा आपको, बट आप खुद भी बना सकते हो इसको। अब हम पैड का इस्तेमाल करना बताते हैं। ये एक ही साइड का आ गया है, नहीं एक ही साइड का है, वहां पे देखो सामने सेम कलर दबा दो।
ये इंपोर्टेड पैड है। सब लोग जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब बोलते हैं मैम आपने पैड कहाँ से परचेज किया, प्लीज हमें बता दीजिए। लेकिन मैं ये ऑर्डर पे बनवाती हूँ कंपनी से, ये कहीं से मिलता नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी बड़े साइज का ब्लाउज बनाने में, क्योंकि पैड ये जो राउंड वाला पैड आता है ये हैवी साइज को और भी हैवी कर देता है। वैसे ये मिल जाता है, बहुत पहले से मैं इसको यूज कर रही हूँ। अगर आप अब देखेंगे तो अब आपको शायद ऑनलाइन भी मिल जाए, मैं भी सर्च करती हूँ आप भी सर्च कर सकते हो। तो ये वाला जो पैड है ये सिर्फ आप 36 साइज के ऊपर वाले साइज में यूज करेंगे। और दूसरा, आप जब कफ का साइज बड़ा होता है 36 साइज में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन कफ साइज बड़ा होना चाहिए। कफ साइज जब बड़ा होता है तो इस पैड का यूज करते हैं। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब भी हम इसको कैसे भी फोल्ड कर दें ये अपनी शेप ले लेता है अपने आप, बाद में खराब नहीं होता, वॉश करने पे भी खराब नहीं होता। ये बड़ा साइज है और ये नॉर्मल हमारा 38 साइज है। ये वाला साइज हम 42-44 में आराम से यूज होगा, बहुत बड़ा साइज है ये। और ये जो साइज है ये नॉर्मल हम 36 साइज तक 38 साइज तक यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये नॉर्मल पैडेड ब्लाउज में यूज होता है, लेकिन बड़े साइज में यूज करेंगे और जिनका कफ साइज ज्यादा है उनके में यूज करेंगे। और जिनका साइज कम होता है 34 साइज, 32 साइज, 28 साइज, 30 साइज, राउंड वाला पैड यूज करिए साइज के अकॉर्डिंग। हर एक साइज में अवेलेबल है। जिनका कफ साइज कम होता है चाहे वो 36 साइज भी है, वहां पर भी आप राउंड पैड ही यूज करेंगे। जहां पर ये पैड यूज होगा वहां पे इसी पैड को यूज करना है, ध्यान रखना। जहां पर दूसरे वाला पैड यूज करेंगे वहां पर उसी को यूज करना है, तभी आपका फिटिंग आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ये लगा दो कहीं पे भी वो लगा दो, ऐसा नहीं है। स्टिचिंग जब मैं सिखाऊंगी तब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। ऑफ शोल्डर आउटफिट या ऑफ शोल्डर ब्लाउज, ऑफ शोल्डर गाउन, या फिर कोई भी कोर सेट बना रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। इस टाइप का जो पैड है, आई पैड बोलते हैं इसको, आईज की शेप में होता है ये, इसलिए इसे आई पैड बोलते हैं। इसका यूज होता है हमारा ऑफ शोल्डर ड्रेसेस बनाने में। ठीक है एवरीवन, अब हमारा ज्यादातर जो मटेरियल है वो खत्म हो चुका है काउंटर पे, बिल्कुल काउंटर खाली हो गया है। वन बाई वन करके सारी चीजों के यूज मैंने आपको बता दिया है। जो भी चीजें आपको खरीदनी है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से मार्केट से परचेज कीजिए। चलिए एवरीवन, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।